इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं बोट एयरडॉप्स 170 जो कि रिसेंटली 15 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, और दूसरी साइड पर है ओप्पो एनको बर्ड्स 2 जो कि पिछले साल लॉन्च हुई थी लेकिन ये अभी काफी ज्यादा डिमांड में चल रही है। बाकी मैं आपको बता दूं दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, लेकिन बेस्ट किसकी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर प्राइसिंग की बात करें तो बोट एयरडॉप्स 170 1500 रुपए की मिलते हैं रेगुलर डेज में, ओप्पो एनको बर्ड्स 2 1800 या फिर 2000 रुपीज की मिलती है रेगुलर डेज में। दोनों के बीच में 300 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, तो 300 रुपए बचाकर बोट एयरडॉप्स 170 ले या फिर 300 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके हम ओप्पो एनको बर्ड्स 2 ले, ये चीज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करें दोनों के चार्जिंग केस की। बोट 170 का चार्जिंग केस एक कॉमन सा डिजाइन देखने को मिलता है जो कि नॉर्मली आपको चार्जिंग केस का डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन ये डिजाइन हमेशा अच्छा लगता है, एक क्लासिक डिजाइन इसे मैं बोलूंगा। बाकी कॉम्पैक्ट साइज है, टोटल वेट है इसका 40 ग्राम्स, इजी टू कैरी है। और वहीं ओप्पो बर्ड्स का चार्जिंग केस राउंड शेप में है, एक यूनिक डिजाइन इसे मैं बोलूंगा, दिखने में अच्छा लग रहा है। इसका साइज भी एकदम कॉम्पैक्ट है और इसका टोटल वेट 38 ग्राम्स है, ये भी इजी टू कैरी है। नेक्स्ट मटेरियल की बात करें तो बोट 170 पर अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज किया गया जो कि इसको एक क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है, प्लस इस पर स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं ओप्पो बर्ड्स पर मैट फिनिश प्लस ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है, आगे पीछे से पूरा मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है, एजेस से ग्लॉसी प्लास्टिक है जो कि इसको एक प्रीमियम प्लस क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। वहीं स्क्रैचेस इस पर भी जल्दी नहीं आएंगे, ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी दोनों की आगे की साइड पर ब्रांडिंग की गई है, नीचे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। ओप्पो बर्ड्स में नीचे की साइड पर सिंगल इंडिकेशन लाइट दी गई है, और वहीं बोट एयरडॉप्स 170 पर आगे की साइड पर 4 डॉटेड इंडिकेशन लाइट दी गई है जो कि बता देती है कि कितनी परसेंटेज इसमें बैटरी बची है या फिर चार्ज हुआ है। बाकी ओप्पो बर्ड्स 2 के चार्जिंग केस की बैटरी परसेंटेज पता लगाने के लिए हम इसकी ऐप में देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज चार्ज हुआ है इसका चार्जिंग केस। तो यहां पर जो बोट 170 के चार्जिंग केस में बैटरी इंडिकेशन लाइट दी गई है तो उसको लेकर एक मैं बड़ा डिफरेंस नहीं मानूंगा दोनों के बीच में, दोनों में हम बैटरी परसेंटेज पता लगा सकते हैं। बाकी बिल्ड की बात करें तो दोनों चार्जिंग केस की बिल्ड अच्छी है, लेकिन बोट 170 के चार्जिंग केस की जो कैप है वो थोड़ा सा लूज फील देती है, उतनी स्टेबल नहीं है। और वहीं ओप्पो बर्ड्स 2 के चार्जिंग केस की जो हिंज है वो एकदम स्टेबल है, बिल्कुल भी लूज फील नहीं देती। यहाँ पर ओवरऑल दोनों चार्जिंग केस ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे कोई एक चूज करना हो तो मैं ओप्पो बर्ड्स 2 का चार्जिंग केस चूज करूंगा। नेक्स्ट ईयरफोन्स की बात करें तो फुल इनर डिजाइन में है और दोनों पर स्टेम देखने को मिलता है, मटेरियल दोनों का सेम है, अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है, लेकिन ओप्पो बर्ड्स 2 में आगे की साइड पर ग्लॉसी प्लास्टिक यूज किया गया जो कि इसकी लुक को थोड़ा सा एनहांस और प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। बाकी दोनों की रबर एयर मफ्स का मटेरियल सॉफ्ट है, और जो स्पीकर ग्रिल है बोट 170 में मेटल की देखने को मिलती है, ओप्पो बर्ड्स 2 में मेटल का मटेरियल यूज नहीं किया गया। फंक्शंस और फीचर्स की बात करें तो बोट 170 में हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, ओप्पो बर्ड्स 2 की ईयरफोन पर हमें कोई इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती। बोट 170 की जो ईयरफोन्स हैं दोनों टोटल 4 माइक्स के साथ में आती है, और ओप्पो बर्ड्स 2 की जो दोनों ईयरफोन्स हैं टोटल 2 माइक्स के साथ में आती है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बोट 170 की ईयरफोन का। बाकी दोनों पर हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है, बाकी बोट 170 की ईयरफोन पर वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर नहीं दिया गया, इससे हम वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ओप्पो बर्ड्स 2 से हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है ओप्पो बर्ड्स 2 का। बाकी दोनों ईयरफोन्स IPX4 रेटिंग के साथ में आती है, वाटर रेजिस्टेंट है, तो इस मामले में दोनों सेम है। नेक्स्ट अगर ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की बात करें तो बोट 170 में हमें 5.3 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है, और ओप्पो बर्ड्स 2 में हमें 5.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम वर्क करते हैं। मैं इन दोनों को सभी डिवाइसेज से कनेक्ट कर चुका हूं, दोनों ब्रांड की ईयरफोन सही से कनेक्ट होती है, और दोनों में फास्ट पेयरिंग भी देखने को मिलती है, चार्जिंग केस ओपन करते ही 5 सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं। दोनों ब्रांड की ईयरफोन की कनेक्टिविटी 18 फुटस्टेप तक की रेंज में एकदम फाइन वर्क करती है, और दोनों एक टाइम पर एक डिवाइस से कनेक्ट होती है, ड्यूल पेयरिंग नहीं देखने को मिलती दोनों में ही। नेक्स्ट पर फिटिंग की बात करें तो यहां पर बोट 170 की फिटिंग मुझे अच्छी लगी लेकिन बेस्ट नहीं लगी। रीजन इसके पीछे, इसकी हाउसिंग का जो साइज है ना वो मुझे थोड़ा सा चौड़ा लगा जो कि मेरे कानों में उतना प्रॉपर फिट नहीं बैठा। जब मैं इसको लगाकर कोई एक्टिविटी करता हूं, कुछ खाता हूं या फिर बोलता हूं, मेरे माउथ की इस वाली मसल की जब ज्यादा मूवमेंट होती है तो उस टाइम पर ये हल्का फुल्का लूज हो जाती है। बाकी इसको लगाकर मैं रनिंग कर रहा हूं या साइकिलिंग कर रहा हूं उस टाइम पे लूज नहीं होती है, जब मेरे माउथ की ज्यादा मूवमेंट होती है तब ही हल्की फुल्की लूज हो जाती है। तो यहां पर मुझे इसकी फिटिंग अच्छी लगी लेकिन बेस्ट नहीं लगी। वहीं ओप्पो बर्ड्स 2 की फिटिंग मुझे बेस्ट लगी, रीजन इसके पीछे, इसकी हाउसिंग का साइज उतना चौड़ा नहीं है जितना बोट 170 की हाउसिंग का साइज है, तो यहां पर एकदम प्रॉपर फिट बैठती है मेरे कानों में, चाहे इसको लगाकर मैं कुछ खा रहा हूं या मेरे माउथ की ज्यादा मूवमेंट हो रही है, जल्दी लूज नहीं होती है। तो इस वजह से ओप्पो बर्ड्स 2 की फिटिंग मुझे ज्यादा अच्छी लगी। यहां पर बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो बोट 170 में हमें
13mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और ओपो बर्ड जूम हमें 10mm के टाइटेनियम कोटेड स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों ईयरफोन्स में मैं हर टाइप का म्यूजिक सुन चुका हूँ, मुझे साउंड क्वालिटी दोनों की ही अच्छी लगी, लेकिन बेस्ट किसी एक की है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करें बेस की, तो बोट 170 का जो बेस है अच्छा बेस है, थंपिंग बेस है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड या डीप बेस नहीं है, लेकिन मजेदार बेस मैं इसका बोलूंगा। और वहीं ओपो बर्ड्स 2 का जो बेस है पंची बेस है, थंपिंग बेस है, लाउडर साइड हो जाता है इसका बेस बोट 170 के मुकाबले में। वोकल्स दोनों में एकदम क्लियर साउंड में आता है, चाहे आप मूवी देख रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं, और ट्रेबल्स भी दोनों में एकदम प्रॉपर है, नॉइजी फील नहीं देते हाई वॉल्यूम पर, और लाउडनेस दोनों की अच्छी है, लेकिन ओपो बर्ड्स 2 में लाउडनेस थोड़ी सी ज्यादा है। क्लियरिटी दोनों में अच्छी है, लेकिन ओपो बर्ड्स 2 में क्लियरिटी थोड़ी सी ज्यादा और अच्छी हो जाती है। कुल मिलाकर एक बात मैं बोलूंगा, बोट 170 और ओपो बर्ड्स 2 की दोनों की साउंड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको बेटर बेस, बेटर क्लियरिटी, बेटर लाउडनेस चाहिए तो ओपो बर्ड्स 2 में वो है बोट 70 के मुकाबले में। अगर मैं इन दोनों को रेटिंग देना चाहूं तो बोट 170 को मैं साउंड क्वालिटी के मामले में दूंगा रेटिंग 8/10 और ओपो बर्ड्स 2 को मैं दूंगा 9/10। नेक्स्ट पर बात करें ऐप सपोर्ट की, तो बोट 170 में हमें कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, वहीं ओपो बर्ड्स 2 में ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। हे मेलेडी नाम की ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी ब्लूटूथ ईयरफोन की ऐप होना काफी यूजफुल फीचर है उस ईयरफोन का। नेक्स्ट पर कॉलिंग की बात करें, तो दोनों ईयरफोन में हमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलता है। तो पहले आप दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर हम बात करते हैं। एक बार बाहर का नॉइज सुन लो, पीछे ट्रैफिक है, नॉइज आ रहा है अच्छा खासा। अब यहाँ पर जो आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और ये कॉल रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे TWS की माइक की क्वालिटी। तो सबसे पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक चल रहा है, नॉइज आ रहा है, बॉट वगैरह की आवाज आ रही है। अब यहाँ पर जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए किससे इसकी माइक की क्वालिटी सुनने को मिलती है। सबसे पहले बोट 170 की जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग देखी और सुनी, तो बाहर काफी ज्यादा नॉइज था और कॉल रिकॉर्डिंग में जो मेरी वॉइस आ रही थी एकदम क्लियर आ रही थी और बिल्कुल भी दबा फील नहीं दे रही थी। तो चाहे आउटसाइड है चाहे इनसाइड है, बोट 170 की कॉलिंग काफी अच्छी दी गई है 1500 रुपए के प्राइस पे। और दूसरी तरफ ओपो बर्ड्स 2 की बात करें, तो आउटसाइड का इसमें नॉइज आ रहा था, हॉर्न वगैरह की साउंड आ रही थी, तो आउटडोर के लिए इसकी कॉलिंग उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इनडोर के लिए अच्छी है। ओवरऑल कॉलिंग मामले में बोट 170 की कॉलिंग अच्छी है। नेक्स्ट पर गेमिंग की बात करें, तो बोट 170 में 50 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी है और ओपो बर्ड्स 2 में 80 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी है। तो पहले आप दोनों का गेमिंग डेमो देख लो। यहाँ पर माइनर सा दोनों ईयरफोन में लेटेंसी की प्रॉब्लम देखने को मिली। अगर आप हाई एंड गेमिंग करते हैं तो मैं दोनों में से कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा स्पेशल गेमिंग के लिए, अदरवाइज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पर बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की बात करें, तो बोट 170 का चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे का टाइम लेता है और ओपो बर्ड्स 2 का चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 3 घंटे का टाइम लेता है। और ईयरफोन्स की बात करें, तो बोट 170 की ईयरफोन्स आधा घंटा लेती है फुल चार्ज होने में, ओपो बर्ड्स 2 की ईयरफोन फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे का टाइम लेती है। बाकी बोट 170 10 मिनट के चार्ज पर 3 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देती है और ओपो बर्ड्स 2 10 मिनट के चार्ज पर 1 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देता है। तो यहाँ पर ओवरऑल में बात करूं तो फास्ट चार्जिंग हमें बोट 170 में देखने को मिलती है, ओपो बर्ड्स 2 में उतनी फास्ट नहीं है। नेक्स्ट प्लेबैक टाइम की बात करें, जो मैंने एक्चुअल में टेस्ट किया वो नंबर्स मैं आपको बताऊंगा। तो बोट 170 की ईयरफोन फुल चार्ज होने पर अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो ये आपको 7 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देगी, और ओपो बर्ड्स 2 कि ईयरफोन फुल चार्ज होने पर अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो ये भी आपको 6.5 से 7 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देगी। तो इस मामले में दोनों सेम है। बाकी बोट 170 की ईयरफोन चार्जिंग केस से टोटल 5 times फुल चार्ज होती है और ओपो बर्ड्स की ईयरफोन जो है चार्जिंग केस से टोटल 4 times फुल चार्ज होती है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल प्लेबैक टाइम हो जाता है ये मैं आपको बताऊंगा अगर आप 7 to 8 के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं, तो बोट 170 में 40 to 45 hours का टोटल प्लेबैक टाइम मिल जाएगा और ओपो बर्ड्स 2 में 26 to 27 hours प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। तो यहां पर प्लेबैक टाइम के मामले में बोट 170 ज्यादा अच्छा प्लेबैक टाइम दे रहा है। तो ये था दोनों के बीच में डिटेल कंपैरिजन। अब कम शब्दों में बात कर लेते हैं कौन से वाला आपको लेना चाहिए, कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट है। तो डिजाइन वाला पार्ट मैं आप पर छोड़ता हूं, वो आप अपनी पसंद का लोगे। बाकी सारी चीजों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज बेल्ट के मामले में ओपो बर्ड्स ज्यादा बढ़िया है, साउंड क्वालिटी दोनों की अच्छी है। अगर आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए तो आप बोट 170 के साथ में जाइए, अगर आपको बेस बूस्ट
तकड़ी साउंड क्वालिटी चाहिए तो ओपो बर्ड्स 2 के साथ में जाइए। ऐप सपोर्ट हमें ओपो बर्ड्स 2 का देखने को मिलता है, बोट 170 का ऐप सपोर्ट नहीं है। आईपेक सेटिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के मामले में दोनों को मैं सेम कहना चाहूंगा, गेमिंग के मामले में भी दोनों को सेम कहना चाहूंगा। फास्ट चार्जिंग और प्लेबैक टाइम के मामले में बोट 170 ज्यादा बढ़िया है ओपो बर्ड्स 2 के मुकाबले में, और कॉलिंग के मामले में बोट 170 ज्यादा बढ़िया है ओपो बर्ड्स 2 के मुकाबले में। फिटिंग के मामले में ओपो बर्ड्स 2 ज्यादा बढ़िया है बोट 170 के मुकाबले में। यहां पर अब आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी TWS आपको लेनी चाहिए। दोनों के बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहां पर आप करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय।